मुझे समझ नहीं आता कि तुम घबराते क्यों हो तन्हाई से, क्यों तंग होते हो लोगों की बातों से, क्यों तकलीफ में रहते हो बदले हुए रवैयों को देखकर, मुखलसी के सिले की उम्मीद रखते क्यों हो किसी से, क्यों भाग रहे हो नसीब के पीछे। और अगर इन चीजों के पीछे भागते रहोगे जो तुमसे दूर भागती हैं, तो सिवाय थकावट के कुछ हासिल नहीं होगा। खुद की इतनी इज्जत तो करना सीखो कि जहां इज्जत ना रहे वहां से उठकर आ सको। खुद की इतनी इज्जत तो करो कि तुम्हें अगर ठुकरा दिया जाए तो उसकी तरफ वापस पलट कर ना जाओ। खुद पर इतना तो रहम करो कि जब खुदा तुम पर रहम करे तो तुम उसे महसूस कर सको। लफ्जों को नहीं अपनी खामोशी को इतना पुरअसर बनाओ कि बोलने वाले इस खामोश जुबान से घबराएं। जिसने बेरुखी से दरवाजा बंद किया है, खबरदार जो इस दरवाजे को दोबारा खटखटाओ तुम। और तुम न तब अकेले थे जब तुम्हारे गिर्द हजारों का हजूम था, और तुम न अब अकेले हो जब तुम्हारे पास खुद अपनी जात भी नहीं है। याद रखो, सारी कायनात भी तुमसे मुंह फेर लेना तो वो तन्हा खुदा तुम्हें काफी है। और जब वो काफी है तो फिर कौन सा गम बाकी है। मुखलसी से लेकर मोहब्बत तक का सिला बस वही देता है। दुनिया ना तुम्हें कुछ दे सकती है, ना दुनिया ने तुम्हें कुछ दिया है, और ना दुनिया तुम्हें कुछ देगी, और ना तुमसे कुछ छीन सकती है। बस ये यकीन रखो, अपने खुदा पर भरोसा रखो, उससे मांगो, मांगते रहो।